हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। और तो आगे का ज्यादा मेरे को पता नहीं है, जो नाम पता था मैंने आपको बोल दिया है। सो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, क्लास 11 का जो 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हम बताने जा रहे हैं आपको, पहले ही बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो यार जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देखते हैं आपको कितना पसंद आता है कितना नहीं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन दिया है, इफ इन टू सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। आप जानते हैं मेरे को पसंद क्यों आया, क्योंकि इसमें एक सर्कल नहीं है, इसमें दो दो सर्कल हैं। आप देखते हैं कौन को पसंद आता है। इफ इन टू सर्कल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि दो सर्कल हैं, एक सर्कल जी हो गया, एक सर्कल जी हो गया। क्लियर है? ये तो भाई साहब दो चश्मे की तरह हुए, दो आंखों की तरह हुए। अगर यहाँ पे हम जरा बिंदु लगा के एक चेहरा ही बना देंगे, क्यों भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजाक बहुत हो गया, अब समझ लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे सर बहुत मजाक करते हैं। तो देखिए, दिया है दो सर्कल दिए हैं जिसमें आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो सेम है दोनों की। ठीक है, लेकिन उसमें सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, यानी जो पहला एंगल है, तो पहला सर्कल है, इसकी जो है ना एंगल दिया गया ना, एंगल यानी कि जो थीटा की वैल्यू है ना वो 60 डिग्री है, और इसकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 75 डिग्री। क्लियर है? एट देयर सेंटर्स, यानी सेंटर्स में फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमें रेडियस फाइंड करनी है, वो भी इनके रेडियस के रेशो, क्योंकि रेडियस तो हम फाइंड करेंगे करेंगे, लेकिन इनके रेशो को फाइंड करना है। तो इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी भला हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए भाई, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं सब सुन लो। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं या बनाते हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है? इतना अच्छे से बताया आपको मैंने। अब क्वेश्चन तो देखो साफ क्लियर है, सेंटर पॉइंट जीरा है इसका, इसका जीरा। ठीक है, हमें क्या है यहाँ पे, क्या दिया गया हमें, हमें इनने एंगल दिए, तो हम यहाँ पर एक सेंटर से एक एंगल जी दे देते हैं और एक लाइन हम इसको यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, सेम लंबाई की। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, थीटा है, जो कि पहले वाले का 60 डिग्री है, एंड ऐसे यहाँ करता हूँ, ऐसे यहाँ करता हूँ, पहले वाले का हो गया 60 डिग्री, तो दूसरे वाले का क्या हो गया, 75 डिग्री। जानते हैं यार अपन, तो सेंटर को ओ मान लिया, इधर भी ओ मान लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बोला गया लेंथ है ना, क्या लेंथ है ना वो सेम है दोनों की, तो दोनों की जब लेंथ सेम है तो अपनी एल ये भी एल रहेगी ना, ऐसे अपन चेंज करेंगे। ठीक है ना, वरना इसे L1 L2 कर देते अगर सेम नहीं बोलता तो। अब बोल रहा सेम है, चलो ठीक है, इतनी सी बात रख देते हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है रेडियस। यहाँ पर रेडियस, जैसे कि यहाँ पे इसके हमें बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी कि हमें रेशियो ज्ञात करना, ये दोनों सर्कल है ना, इन दोनों सर्कल का जो रेडियस होंगी ना, उन दोनों की भी रेशियो ज्ञात करना है, यानी कि इसे हम R1 कह देते हैं, इसे R2 कह देते हैं। ठीक है, R1 हो गया यानी कि पहली रेडियस, R2 हो गया दूसरी रेडियस, इससे हमें पहचान लेगा पहला सर्कल कौन था दूसरा सर्कल कौन था। ठीक है, और दोनों की रेडियस भी। तो क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम से तो समझा दिया, आप सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा कुछ गिवन में है नहीं, गिवन में आप डाल सकते हैं एंगल्स, क्या एंगल्स, जैसे कि इसका एंगल्स में सर्कल वन है, यानी सर्कल वन को मैं इस C1 से डिनोट कर देता हूँ। सर्कल वन का थीटा एक तो कितना है, 60 डिग्री, और सर्कल टू का थीटा कितना है, 75 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे थीटा वन थीटा टू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोला नहीं गया है, नहीं डायग्राम में ऐसे शो करना है, मैं इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। हालांकि देखा जाए कि आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग इतने तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है कि आप उसकी लैंग्वेज ऐसे लिख देंगे कि टीचर ही इंप्रेस हो जाएगा आपको देख के, तो आपकी लिखी हुई लैंग्वेज को देख के। भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया था बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, C1 यानी कि सर्कल वन का जो थीटा यानी कि एंगल है 60 डिग्री, C2 यानी सर्कल टू का जो थीटा है वो 75 डिग्री है। तो क्लियर है जवाब? चलो अब हम करते हैं नाव, नाव यानी कि अब हमारा गेम स्टार्ट होगा ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाव करा, एल इजिकल्स टू में
एल इज इक्वल टू आर वन थीटा। अब आप कह रहे हो यार जी क्या है, चलो बता दो जी। तो आप जानते हो ना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे आर वन है तो यहाँ आर वन कर दिया, कैची गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, लेंथ, तो लेंथ निकालनी है, आई मीन रेडियस निकालनी है ना इसकी, रेडियस। तो हमने क्या करा है, इसकी लेंथ तो हमें बोला गया क्वेश्चन में सेम है, तो हम दोनों की सेम, अब रेशियो निकालना है तो लेंथ भी सेम है, इसलिए अपन क्या करते हैं दोनों को है ना लेंथ के इक्वल में ले आते हैं, यानी कि लेंथ सेम है ना इसी रीजन से। तो देखो एल इज इक्वल टू में दोनों को ले आओ, तो कैची गुणा कर दिया, तो एल इज इक्वल टू में थीटा आर वन या आर वन थीटा, तो वही हमने यहाँ लिखा है, क्लियर है। चलो अब एल इज इक्वल टू में आर वन थीटा, ठीक है, तो पहले इसका सॉल्व कर ले। तो इसमें क्या आता है अपना एल इज इक्वल टू में आर वन, ठीक है, ये आर वन है मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60। अब देखो यार ये क्या है, डिग्री में है, डिग्री में, और आप तो जानते ही हैं कि अपन को ये वैसे हालांकि एक सर्कल के अंदर जो जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो एक रेडियन फॉर्म में ही होता है, लेकिन रेडियन फॉर्म को हम पाई से डिनोट करते हैं, जैसे पाई से डिनोट करते हैं, इसलिए 60 डिग्री को हम पाई बाई थ्री भी लिख सकते हैं। पर आपके मन में एक सवाल तो उठता होगा, ये पाई बाई थ्री आता कैसे, तो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है पाई बाई 180 डिग्री का, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 × 6 = 6, 6 × 3 = 18, तो ऐसे करके क्या आ जाता है डायरेक्ट एल इज इक्वल टू में आर वन मल्टीप्लाई पाई बाई थ्री। जी हो गया हमारा डिग्री से रेडियन फॉर्म में, क्योंकि हमें पाई है ना इस बात को डिनोट कर देता है कि ये रेडियन फॉर्म में है वैसे तो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, ये डिग्री से पाई बाई थ्री में क्यों लिखता था, क्योंकि ये दोनों ही एक सेम होते हैं, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये पाई बाई थ्री लिख दो या 60, लेकिन अभी फिलहाल हमें पाई बाई थ्री की जरूरत है, इसलिए भूल गया, क्लियर है। आप देखो यहाँ एक लाइन खींचो, या नहीं खींचना चाहो तो नीचे से भी कर सकते हो। अब दूसरे वाले के लिए करते हैं, दूसरा वाला सर्कल जे एल इज इक्वल टू में जे भी जे आर टू थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है, एल इज इक्वल टू में आर टू मल्टीप्लाई 75 है, 75 डिग्री है, इसके संग भी ये करो पाई वाई 180 डिग्री। भाई अगर देखो तुम लोग को याद ना हो ना कि 60 डिग्री जैसे पाई वाई 3 है तो 75 डिग्री का क्या होगा, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो, याद नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई पाई वाई 3 कर दो, पाई वाई 180 डिग्री कर दो, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या करोगे, काट दो 75 और 180 डिग्री को, मैंने ऑलरेडी काट के रखा है तो मैं ज़्यादा समय व्यक्त करे व्यर्थ करे लिख देता हूँ, आर टू मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5/12, क्या आ जाएगा 5/π 12, क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5π/12 यानी अपॉन में 12 आ गया, ठीक है, बाकी अपन बाद में काट के दिखा देंगे भाई, पहले नंबर सॉल्व कर लेते हैं, इतना आ गया। अभी दोनों मल्टीप्लाई में, अब देखो भाई यहाँ पे एल सेम है, ये भी एल सेम है, और क्वेश्चन ने भी बोला कि दोनों के लेंथ सेम है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल में ले सकते हैं, इसकी जगह पर हम मतलब जो एल दिख रहा है ना और जो एल दिख रहा है ना, ये इन दो अगर जो दोनों अगर सेम है तो यानी इन दोनों की वैल्यू भी सेम हुई, यानी दोनों इक्वल में आ गए। अगर अपन क्या करें इस एल की जगह पर इस एल की पूरी वैल्यू यहाँ रख दें, तो ऐसे करके दोनों इक्वल में आ जाएंगे, आ जाएंगे यार, क्यों नहीं आ सकते, तो लिख दो देयरफॉर, ठीक है, लिख दे गए आर वन पाई बाई थ्री इजिकल सुम है आर टू मल्टीप्लाई में 5/π 12, ठीक है, आर वन से आर वन तो कैंसिल नहीं हो सकता पहली बार, ठीक है, पाई से पाई उड़ा सकते हैं, उड़ा दो यानी काट दिए हमने, तो इक्वल में है ना, सेम वैल्यू है तो काट सकते हैं, 3 × 3 3 × 4 = 12, ठीक है, तो कितना आ गया आर आर, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं है क्या, अच्छा आर वन है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आर वन अपॉन में 1 मान लो इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचता है आर टू, ठीक है, हेलो हाँ यहाँ पे क्या बचता है आर टू 5/4, कितना बचेगा 5/4, देखो इतना आ गया, इतना आने के बाद अब देखो ध्यान से सुनना क्या करना है, ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें है ना रेडियस का रेशियो निकालना था, तो आर टू का करो यहाँ बन की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे करके आर वन अपॉन आर टू आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5/4, ठीक है। तो आप कायदे से देखो अगर अपन आर वन रेशियो आर टू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपॉन में है, तो इसलिए ये रेशियो में अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे ही, तो 5/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई जब ये दोनों खुद रेशियो में है अनुपात में है तो ये इसके सामने वाली वैल्यू भी तो इसी फॉर्म में आई, इसलिए आर वन रेशो आर टू इज इक्वल टू में 5/4,
जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर तक भी कर लोगे सही है, इधर तक भी कर लोगे तो भी सही है, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आएगा, R1 R1 रेशो R2 का 5:4, ठीक है ना। तो आंसर अपना जी आ गया। तो गाइस कोई डाउट है क्या, नहीं हो तो कमेंट, अगर है तो कमेंट्स में बता दो, नहीं है तो हमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लीमेंट्री चलती है यार, है ना। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में मैं आपसे एक चीज चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आया उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी भला होगा। और जैसे हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए बस कुछ मत कीजिए। आपके जहाँ जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उसको एक मुक्का मार के ग्रे रंग में बदल दीजिए और एक घंटा आएगा, घंटे को बजा दीजिए, जिससे आने वाली जो डेली की जो वीडियोज होंगी सबसे पहले मिलेंगी आपको। तो गाइस किस बात की देरी है, अभी जाइए, देखो मैं देख रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप लोगों को गुड लक।